कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा शराब के ठेके बंद थे, लेकिन पुनः 15 दिन बाद सभी शराब के ठेकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए, जिसके बाद कस्बे के सादाबाद रोड पर सरकारी अंग्रेजी शराब के ठेके पर ठेके के सेल्समैन द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक रेटों पर शराब बेचने का आरोप लगाते हुए कुछ ग्राहकों ने हंगामा काटा। पुलिस ने शराब के नशे में धुत एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं ठेका सेल्समैन का कहना था कि वो गोदाम से माल आने के इंतजार में बैठा था, उसने किसी को शराब नहीं बेची। उक्त युवक उसे अकेला पाकर जबरन उससे शराब लेकर जा रहा था। पकड़े जाने के डर से सेल्समैन पर निर्धारित मूल्यों से अधिक पर शराब बेचने का आरोप लगा रहा है, जो कि निराधार है। रहने वाला हूँ क्या समस्या? मैं यहाँ अपने आरएस का क्वार्टर लेने आया था। कितने बजे? अभी आया हूँ प्रेजेंट में। कितना बज रहा है अभी प्रेजेंट में? जितना टाइम हो रहा होगा उतना मुझे पता नहीं है, समथिंग एक बज रहा होगा, एक या डेढ़ बज रहा होगा। ठीक है, मैं क्वार्टर लेने आया, तो भाई ने मुझे क्वार्टर नहीं दिया, कराई दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, दो बंदे आए उनको क्वार्टर दिया हाफ, तो फिर मैंने 180 रुपए की ग्रीन लेवल की फ्रूटी दिया इस भाई ने मुझे, और ये मेरे हाथ में है 180 रुपए रिटर्न किए, बाकी पैसे मेरी जेब में है, ये दिखा भी सकता हूँ मैं। ठीक है, वाजिब रेट क्या है इसको? क्या वाजिब रेट? या 100 होगा, 110 होगा, जितना भी रेट है समथिंग, इतना मुझे पता, क्योंकि मैं ये पीता नहीं हूँ, ओनली आरएस का पीता हूँ मैं।